Hello everyone, Achievers Camp presents Vocabulary Words of 29th September. सबसे पहला वर्ड देखते हैं. So the first word is articulate. Articulate एक वर्ब है जिसका मतलब होता है express an idea or feeling fluently or coherently. स्पष्ट तरीके से साफ साफ अपने आइडिया को या अपनी फीलिंग को आप किसी के भी सामने रखते हो तो आप उसको आर्टिकुलेट कहते हो. सेंटेंस देखते हैं. She struggled to articulate her thoughts. वो अपने thoughts को अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से प्रेजेंट करने में बहुत स्ट्रगल करती थी, उसको बहुत दिक्कत होती थी. करेक्ट. सो इट इज बेसिकली एक्सप्रेस योर थॉट्स फ्लुएंटली. आई होप द वर्ड इज क्लियर टू एवरीवन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज alacrity. Alacrity एक नाउन है जिसका मतलब होता है brisk and cheerful readiness. मतलब किसी भी काम को करने के लिए आप खुशी खुशी तैयार हो तो आप उसको alacrity कहते हो. राइट. नाउ विल हैव अ लुक एट द सेंटेंस. शी एक्सेप्टेड द मनी विद alacrity. उसने खुशी खुशी जो भी उसको पैसे दिए गए उसने उस पैसे को एक्सेप्ट कर लिया. करेक्ट. सो इट इज बेसिकली खुशी खुशी किसी भी चीज के लिए राजी हो जाना, तैयार हो जाना, आप उसको alacrity कहते हो. Now, hope the word is clear. Let's move on to the next word. Bamboozle. Bamboozle एक verb होता है जिसका मतलब होता है fool or cheat someone, किसी को धोखा देना, किसी को cheat करना, आप bamboozle कहते हो. Right? Easy सा word है. Sentence देखते हैं. आप इसको sentence में कैसे use करोगे. He was bamboozled into joining the club. उसको क्लब ज्वाइन करना था तो क्लब ज्वाइनिंग के टाइम पे उसको चीट किया गया, उसको धोखा दिया गया, उसको बेवकूफ बनाया गया. करेक्ट. सो आई होप द वर्ड्स आर क्लियर टू एवरीवन. इट वाज एन इजी सेशन. नाउ वी विल सी द क्वेश्चन फॉर द डे. क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ अलैक्विटी एंड द ऑप्शंस आर डिल्यूड, अपेथी, फाल्टर एंड ग्रंट. So just comment your answer in the comment box. We'll let you know the right answer. और किसी भी वर्ड में कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. And for more such videos, like and subscribe to our channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.